हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ऑन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। व्हाट इज पोल्ट्री? पोल्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दैट इज कंसर्न विथ रियरिंग ऑफ बर्ड्स। पोल्ट्री रेफर्स टू रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट, जिन्हें हम लोग एग लेइंग बर्ड्स के तरह जानते हैं उन्हें बोला जाएगा लेयर्स। एंड द बर्ड्स रियर्ड फॉर गेटिंग गुड क्वालिटी मीट आर कॉल्ड एज ब्रॉयलर। बराबर। अब यहां ये एक मार्क, ये एक मार्क और ये एक मार्क, तीन क्वेश्चंस। कब? लेकिन जब एग्जाम में होगा तब। अब इंडिजिनस ब्रीड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो असील, घुगुस, बसरा, ब्रह्मा, चितगोंग, ये इंडिजिनस ब्रीड के कुछ एग्जाम्पल्स है। लार्जेस्ट डोमेस्टिकेटेड ब्रीड कौन सा? ब्रह्मा इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिकेटेड ब्रीड। बट क्या सिर्फ इतने ही है? नहीं, कुछ इंग्लिश ब्रीड्स भी हम लोग यूज करते हैं, एक्सोटिक ब्रीड भी यूज करते हैं। अमेरिकन ब्रीड्स है, प्लायमाउथ रॉक, वेंडॉट, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर। फिर कुछ इंग्लिश ब्रीड्स है, ससेक्स, रेड कैप, ऑस्ट्रेलॉर, डॉर्किंग, उसके बाद में ओरिंगटन। फिर मेडिटेरेनियन भी है, मिनोर्चा, एंकोना, व्हाइट लेग हॉर्न। और ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले हैं। मैं अगर सेटर हूं तो मैं यहां पूछूंगा मैच द कॉलम्स। बराबर। और यहां मैं जाऊंगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए या MCQs के लिए। कौन से पार्ट पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये समझना जरूरी है। अब देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री ये समझो। सबसे पहला उसका साइट लोकेशन। बराबर। ये कैसा होना चाहिए? आप देखो, एक इमेज मैंने डाला है, कितने थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स यहाँ है। इट मस्ट प्रोवाइड इनफ स्पेस, एयर एंड लाइट। फ्लोर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सॉफ्ट एंड कवर्ड विथ एब्सॉर्प्टिव मटेरियल बाय हस्क, भूसा, डस्ट, सॉडस्ट। प्रोटेक्शन होना चाहिए अदर एनिमल से, वाटर सप्लाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम्स होनी चाहिए और बाकी बची हुई सारी कंडीशंस तो नेसेसरी है ही सिलेक्टेड साइट पे। डेफिनेट अरेंजमेंट होनी चाहिए बर्ड्स के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, ये जरूरी है सॉर्टिंग। अब पोल्ट्री वेराइटी का सिलेक्शन, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। डिसीज फ्री, लोकल कंडीशन में वेल सूटेड और वेल अडेप्टेड होना चाहिए। मार्केट की डिमांड क्या है ये भी समझ में आना चाहिए कि एग लेयर्स की जरूरत है या मीट प्रोड्यूसर्स यानी बॉयलर्स की जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग बर्ड्स जो है वो देखेंगे। बट इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ब्रीडिंग, मेटिंग एंड सेक्सिंग, ये तीन मेथड्स है। अच्छे टाइप का डिजायरेबल फाउल जो है वो मिलने के लिए हमें क्रॉसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, वो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अवॉइड करके। मेटिंग के दो टेक्निक्स होते हैं, एक होता है पेन मेटिंग और दूसरा होता है फ्लॉक मेटिंग। बराबर। फ्लॉक मेटिंग में कंट्रोल्ड ब्रीडिंग नहीं होता, हमें पता नहीं रहता, यहाँ नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो भी ज्यादा होते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलेगा इसका क्रॉस किसके साथ हुआ है। और इसलिए पेन मेटिंग यानी रिकॉर्डेड पेडिग्री जो है वो रखना जरूरी होता है। अब फीडिंग कॉस्ट कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेंट मेथड या सेक्सिंग जो है उसको यूज किया जाता है। इसको क्या करते हैं, वन डे ओल्ड चिकन जो है उनको कील किया जाता है, स्पेशली मेल, उनका रूडिमेंट्री क्लोएका जो है उसको एग्जामिन किया जाता एंड दे आर डिस्ट्रॉयड एंड फीमेल्स आर रेस्ट। मेन रीजन इसका एक ही है, टू रिड्यूस फीडिंग कॉस्ट एंड अननेसेसरी ब्रीडिंग, नथिंग एल्स। इस पार्ट पे क्वेश्चन यहां कम बैठेगा, यहां ज्यादा बैठेगा,
यहां हमें पेन मेटिंग को लेकर क्वेश्चन बैठता है, कलर बदल देते हैं बराबर। हमें मेटिंग का, फ्लॉक मेटिंग का मीनिंग पूछा जा सकता है। हमें वेंट मेथड पे एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और वेंट मेथड के पर्पस पे एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीजें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यूज कर सकता हूं। अब बारी आती है फीडिंग की, किस तरीके का फीडिंग इन्हें देना चाहिए। पोल्ट्री मैश इज प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, बराबर, जिसमें क्या करेंगे, ग्रेन से किस चीज के, व्हाइट राइस, सॉरी व्हीट राइस, बार्ले, जवार, ऑयल केक्स है, बोन मील है, मीट मील है, ग्रीन वेजिटेबल है, ये सारी चीजें दी जाती है। डेली फूड रिक्वायरमेंट ये ब्रॉयलर और लेयर दोनों की अलग अलग होती है। ब्रॉयलर अगर हमें रेज करना है तो उसमें ज्यादा के फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन के और ए होना चाहिए। फीडिंग को लेकर एक चीज ध्यान में रखना जरूरी कि वो टाइमली एंड रेगुलर होना चाहिए। अपनी मर्जी से खाना खिलाया कि गए सब, उनका एज कंसीडर करना चाहिए, ओवर नरिशमेंट अवॉइड करना चाहिए। बहुत खिलाया ना बहुत हेल्दी मुर्गा होगा, ऐसा नहीं है। यंग बर्ड्स के लिए 30 ग्राम और एडल्ट के लिए 120 ग्राम इतना ही फूड उन्हें देना चाहिए। अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का होना जरूरी है, मॉडर्न टेक्निक्स होना जरूरी है। इंक्यूबेटर रखना चाहिए, ब्रूडर रखना चाहिए, प्रॉपर हैचिंग ऑफ एग्स के लिए हैचरी होनी चाहिए। ये फीडर है, ये ड्रिंकर है, इनकी फैसिलिटी होनी चाहिए। देखो ये हैचरी है, यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं, टेम्परेचर बराबर मेंटेन किया है, ड्यूरेशन मेंटेन किया जाता है। और इनका डी बीकिंग होना चाहिए। यंग बर्ड जो होते हैं उनकी चोंच को बड़ी धार होती है और वो क्या करते हैं, आपस में झगड़ते हैं जिसमें इंजुरीज बढ़ती है, और इसलिए डी बीकिंग मशीन होता है, उससे इनकी बीक को तोड़ दिया जाता है ताकि इंजुरीज कम हो और नुकसान जो है हमारा वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बराबर। डिजीज कंट्रोल अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, रेगुलर वैक्सीनेशन इज नेसेसरी, बराबर, जिससे क्या होगा, पोल्ट्री का लॉस कम होगा, आउटब्रेक ऑफ डिजीज कम होगा। प्रिवेंटिव इनोक्युलेशन विद द वैक्सीन इज नेसेसरी, बराबर। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट देना जरूरी है। जैसे एक्टोपैरासाइट है तो हम लोग मेलाथियन को यूज करेंगे स्प्रेइंग के लिए। एंडोपैरासाइट्स है उनको वर्मीसाइड देकर कंट्रोल किया जाएगा। बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है उसे यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट फंगल डिसीजेस लाइक माइकोसिस एंड थ्रश। कोक्सिडियोसिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन डिसीज, बराबर, दैट कैन बी ट्रीटेड विद द सल्फा ड्रग्स। बैक्टीरियल डिसीजेस भी पोल्ट्री बर्ड्स में होते हैं, उनके लिए भी सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स है। दो मार्क का क्वेश्चन बैठता है और एमसीक्यू पैटर्न में मैच द कॉलम का क्वेश्चन बैठेगा, इंपॉर्टेंट। कॉमन फाउल डिसीजेस कौन से, रानीखेत, न्यूकैसल डिसीज सबसे कॉमन, फाउल कॉलरा ये भी है, साल्मोनेलोसिस, पुलोरम डिसीज बोलते हैं इसको, बराबर, कैंडिडियासिस है। बर्ड फ्लू के बारे में सबने सुना है, आउटब्रेक हुआ था, अभी बीच में भी ऐसे रूमर्स आई थी कोरोना वायरस के चलते, बराबर। मार्केटिंग प्रॉपरली होना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके लिए फ्रीजर होना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट अपना होना चाहिए, बराबर, टाइमली सप्लाई होना चाहिए मार्केट में एज पर द नीड, बराबर। ऐसे डिजीजेस फैलते हैं, ये देखो अलग अलग टाइप के, इससे बर्ड्स की डेथ होती है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और जब हम लोग अलग अलग टाइप के डिसीजेस की बात ही कर रहे हैं तो कॉजिटिव एजेंट के साथ चलते हैं। ये रानी खेत है, न्यूकैसल डिसीज, जो कि वायरल डिसीज है। फिर उसके बाद क्या है, फाउल पॉक्स है, मारेक्स डिसीज है, एवियन एंसेफेलाइटिस है, आईवीडी है, दैट इज इन्फेक्शियस बर्ड्स डिसीज। हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम भी डेवलप होता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस होता है। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, और वो है आइडेंटिफाई ऑड वन। एक किसी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के डिसीजेस में दूसरे का एक ऑप्शन दिया जाएगा और वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जब मैं बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करता हूं, फाउल कॉलरा है, फाउल स्पाइरोजिटोसिस है, साल्मोनेलोसिस है, फाउल टाइफाइड, फाउल पैराटाइफाइड,
फंगल डिसीजेस भी होते हैं, माइकोटिक डिसीज, कैंडिडियसिस, बराबर। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीजेस ऑल्सो डेवलप इन पोल्ट्री बर्ड्स, नाइट ब्लाइंडनेस है, कर्ल्ट ऑफ पैरालिसिस है, हीमरेज होता है विटामिन के नहीं मिला तो, स्टेरिलिटी आती है विटामिन ई नहीं मिला तो, ये सारे अलग अलग टाइप के डिसीजेस हैं। अब इस पूरे बिजनेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अलग तरीके से पढ़ना जरूरी है। जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात आए तो सबसे पहला पार्ट होता है बेटा फूड, वो है एग्स एंड मीट, वो हमें मिल रहे न्यूट्रिशियस है, रिच सोर्स है प्रोटीन का, मिनरल्स का, फैट्स का, विटामिन्स का। वेजिटेरियन एग्स का कंसेप्ट भी हमें मिलता है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो जिसे यूज किया जाता है। इकोनॉमिक अपलिफ्ट अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है, साइड बिजनेस अच्छा है। मैन्योर प्रोडक्शन, फिकल मैटर जो होता है ना पोल्ट्री वेस्ट जो होता है वो गुड मैन्योर है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। बोन्स जो होते हैं बर्ड्स के, दे आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। फिदर्स, मुझे याद है हमारे बचपन में फिदर्स की कैप मिलती थी होली के वक्त, अभी भी मिलती होगी मार्केट में, दे आर यूज्ड मेकिंग शटल्स, कैप्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। रिक्रिएशन, कॉक फाइटिंग, मुर्गों की लड़ाई, बैन है उसके ऊपर, एंशियंट गेम है बराबर, बट रिक्रिएशन में हेल्प करता है। मूड चेंज, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इट हेल्प्स टू अर्न गुड फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया 40,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करता है पोल्ट्री में और नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करता है। एग अल्ब्यूमिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बराबर, कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज किया जाता, किसके वॉर्निश, एडहेसिव्स एटसेट्रा। एग शेल्स जो होते हैं वो मिनरल का सोर्स है फॉर अदर एनिमल्स, इसलिए उनको भी यूज किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर भी मैं 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं। ये जितने पॉइंट्स मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं वो सारे पॉइंट्स भी अगर आपने अच्छे से पढ़े और वही लिखे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ये बात याद रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ऐसे ही कुछ बिजनेस वीडियोस, जो बिजनेस है अलाइड एम्प्लॉयमेंट, साइड बिजनेस जो है उनको हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।